बच्चों आज हम स्टडी करेंगे साइंस क्लास सिक्स, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर टू जो है यहाँ तक स्टडी किया था, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो अब हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर फैट। तो देखिए यहाँ पे क्या है जिनसे हमें फैट प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए कैसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, थोड़ा सा जो है भोजन लेना है, ठीक है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। और फिर उसको जो है एक पेपर का वो लेना है और उसको बीच में क्रश कर देना है। फिर क्रश करने के बाद क्या आएगा, तो उसके बाद नो स्ट्रेट द पेपर एंड ऑब्जर्व द इट केयरफुली। फिर उसको जो है जब आप क्रश कर दोगे तो उसको क्या करेंगे, उसको सीधा कीजिए पेपर को। जब हम सीधा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें धब्बे मिलेंगे, है ना, पैच। तो उसके ऊपर धब्बे मिलेंगे, तो उसको कहाँ में देखना है हमें, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, तो लाइट के सामने उसको देखना है। आर यू एबल टू सी लाइट फैंटली थ्रू दिस पैच। तो आप क्या करेंगे, अगर उसको ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब उसको लैंप के सामने करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आर पार लाइट नज़र आ रही है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा है तो एन ओनली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कॉन्टेन फैट। तो ये पैच जो है ये क्या दर्शा रहा है हमें, कि जो फूड आइटम है उसमें क्या है, फैट है, वसा है। तो समझ में आया बच्चों, किस प्रकार से आप पता करेंगे, इस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस फूड आइटम में फैट है और किस में नहीं है। तो अब देखिए, व्हाट डू दीज टेस्ट शो। तो इन टेस्टों से क्या पता चलता है, आर फैक्ट फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल दी फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। तो जितने भी आइटम आपने टेस्ट किए उनके अंदर क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है। तो जितने भी भोजन हम खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, ये सारे तत्व उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो डज अ फूड आइटम कॉन्टेन मोर देन आर न्यूट्रिशियंस। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कॉन्टेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिशन। तो आपने कोई ऐसा खाने का भोजन देखा है जिसमें कि ये सारी चीज़ें मौजूद ना हों। तो अब देखिए भी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिशियंस। तो फूड आइटम हम किसके लिए खाते हैं, तीन चीज़ों के लिए खाते हैं। इनमें तीन चीज़ें कौन कौन सी होती, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमारे भोजन के तत्व होते हैं। तो देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशंस लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के अलावा और क्या होता है, वाइटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। तो ये अलग अलग प्रकार के भोजन में होते हैं। तो वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिशंस। तो अब हम सोचते हैं कि भाई हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों होती है। तो अब देखिए, What do various nutrition do for our body? तो ये सारे जो nutrients होते हैं ये हमारे मतलब हमारे जो body होती है उस पर किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वही हम इसमें जानेंगे। तो carbohydrate mainly provide energy to our body। तो जितने भी carbohydrates होती है वो हमें क्या provide करती है, energy provide करती है। आप कहीं पर भी जाते आते हैं तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, energy की आवश्यकता होती है। और energy हमें कहाँ से मिलती है, carbohydrates से। तो फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो एनर्जी है ये कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें मिलती है, लेकिन इसके अलावा ये फैट के द्वारा भी हमें मिलती है। जबकि फैट से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। तो समझ में आया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है, तो जिनमें भी वसा होती है उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी होता है जिससे कि हमारा शरीर इधर से उधर जाता है। तो फूड कॉन्टेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जो भी भोजन होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं यानी कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी कि उन फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। तो उन फूड से हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी। तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड यानी के एनर्जी देने वाले भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर दी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी जो है बॉडी रिपेयर कौन करता है और हमारी ग्रोथ कौन करता है, वो करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या है, कुछ सोर्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के। सबसे पहले क्या है, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। उसके बाद क्या है, पोटैटो है, शुगर केन है, पापाया है, मेलन है, मैंगो है,
मेज है मक्का, मेज क्या होती है मक्का, ये मतलब ये तो वैसे वाली मक्का है और ये दूसरे वाली है। उसके बाद बाजरा है, राइस है, वीट है, तो ये सारी चीज़ें क्या देती हैं हमें, ये सारी चीज़ें देती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनके द्वारा हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम जितनी भी ऊर्जा हम जो ग्रहण करते हैं वो इन्हीं पदार्थों के द्वारा करते हैं। तो हमारे भोजन में ज़्यादातर यही चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, जो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में। तो जब एनर्जी मिलती है तभी हमारा शरीर कहीं पर भी आने जाने के योग्य होता है। तो समझ में आया है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या हो गई हमारे शरीर की, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है, इन्हीं सभी चीज़ों से ये प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है दूसरा, तो इससे हमें क्या मिलता है, सम सोर्स ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो यहाँ पे जो है कुछ सोर्स दिए गए हैं फैट के, यहाँ पे तो हो गई ये एनर्जी गिविंग यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, तो कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद आता है फैट, फैट भी हमें क्या देता है, वो भी हमें ऊर्जा देता है। देखो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, उसके बाद नट्स, तो जितने भी नट्स होते हैं उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है यानी कि उसमें भी फैट होता है। और तिल, तिल तो सभी के यहाँ होता होगा, देखा होगा छोटे छोटे से होते हैं, उन्हें कहते हैं हम तिल। तो समझ में आ गया, तो इनसे भी हमें क्या मिलता है, इनसे हमें फैट मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सम सोर्स ऑफ फैट, प्लांट सोर्स, तो ये क्या थे, ये सब हैं प्लांट सोर्स। अब देखिए ये हैं एनिमल सोर्स, तो यहाँ पे क्या हो गए, प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स में क्या हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली, तो ग्राउंड से निकलती है तो प्लांट सोर्स है, नट्स ये भी प्लांट से मिलते हैं, तिल ये भी प्लांट से मिलता है। अब देखिए जो जानवरों के द्वारा हमें मिलता है मीट, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो किन से प्राप्त करते हैं एनर्जी, वो यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पहले मीट आ गया, फिर फिश आ गई है, मिल्क, मिल्क भी जानवरों से प्राप्त किया जाता है, एग्स, एग्स भी जानवरों से प्राप्त किया जाता है, बटर, बटर भी मिल्क से ही निकलता है, तो ये भी एनिमल प्रोडक्ट कहलाता है। तो समझ में आ गया, तो दो चीज़ों से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, सबसे पहले तो वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन जो नॉन वेज होता है, तो यहाँ से प्राप्त करेंगे और वेजिटेरियन यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो दो सोर्स हो गए एनर्जी के, पहले तो कार्बोहाइड्रेट, इससे भी एनर्जी मिलती है, और फैट, फैट भी कार्बोहाइड्रेट यानी कि वो भी एनर्जी बनाता है। तो समझ में आया बच्चों ये, तो अभी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्स, अब हम पढ़ेंगे सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर को जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को बड़ा करने के लिए यानी कि जब बच्चे होते हैं तो वो छोटे होते हैं ना, तो उनको बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन भी दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, एक तो वेजिटेबल्स के द्वारा या मतलब जो प्लांट्स के द्वारा, और दूसरा एनिमल्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लांट सोर्स है ग्राम, चना, मूंग, मूंग दाल सभी को पता होगा, तुअर दाल, अरहर की दाल, बीन्स, जो राजमा होता है वो बीन्स कहलाता है, सोयाबीन, ये छोटे छोटे से बीज होते हैं, सोयाबीन कहलाता है। इसके बाद पीस, पीस तो सभी ने खाई होगी, हरी हरी मटर सर्दियों में आती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं प्रोटीन के सोर्स। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो प्रोटीन यहाँ से प्राप्त करेंगे। अब देखें नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट, मीट भी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फिश सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग सोर्स ऑफ प्रोटीन, और मिल्क सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो समझ में आ गया प्रोटीन के सोर्स क्या है, हमें अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो समझ में आया बच्चों कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे। अब देखिए प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, तो ये प्रोटीन क्या कहलाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या कहलाता है, जो हमारे शरीर को निर्मित करता है। अब देखिए विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, तो विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर में, कौन सा रोल निभाते हैं, हमें बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, तो विटामिन इसके अलावा और क्या करते हैं, हमारे आईज को स्वस्थ रखते हैं, हमारी बोन्स को मजबूत करते हैं, हमारे दांतों को और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखते हैं। तो समझ में आ गया, हमारे हेल्दी रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन्स की। तो विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम, तो ये विटामिन जो होते हैं ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, तो कुछ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है।
देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इनमें ही जो एक ग्रुप होता है जो कि ग्रुप में होते हैं और उसमें कई होते हैं वो क्या कहलाता है, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कहलाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये बहुत सारे होते हैं और एक ग्रुप में होते हैं। तो इसलिए अलग अलग नाम ना देने की बजाय इनको पूरा का पूरा क्या कह दिया गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये कहीं उसमें आते हैं ग्रुप में। तो आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो जो जितने भी जो ये वाइटामिन होते हैं इन सभी की हमें आवश्यकता होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है अलग अलग बीमारियों से लड़ती है। तो अलग अलग विटामिन जो होते हैं अलग अलग बीमारी से स्वस्थ रखने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आइज को स्वस्थ रखता है। तो समझ में आया बच्चों, अगर आपको अपनी स्किन स्वस्थ रखनी है, अपनी आई स्वस्थ रखनी है, तो आपको क्या लेना है, विटामिन ए। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। सबसे जो महत्वपूर्ण विटामिन होता है वो सी होता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में जो है लड़ने के लिए काम करता है। तो इसलिए विटामिन सी फाइट्स अगेंस्ट मैनी डिजीज, तो ये बहुत सारी बीमारियों के लड़ने में काम आता है। विटामिन डी हेल्प अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब देखिए विटामिन डी, विटामिन डी कैसे काम करता है, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में विटामिन डी सहयोगी होता है। तो इसलिए विटामिन डी हमें हमारे, यदि हमें अपने हड्डियों को और अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो हमें कौन से विटामिन की आवश्यकता है, विटामिन डी की। तो फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो यहाँ पे देखिए फिगर्स दिए गए हैं ना, जो कि सोर्स ऑफ विटामिन है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ अवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो यहाँ पे तो हमने बात की है, सबसे पहले हमने क्या देखा, विटामिंस देखा। इसके बाद क्या होते हैं, हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, मिनरल्स की। तो ये सारे मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से विटामिन हमें कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए के सोर्स क्या क्या होते हैं, पपैया, तो आपको खूब पपीता खाना चाहिए, कैरेट, गाजर भी आपको खूब खानी चाहिए, मूंग, मैंगो, तो मैंगो भी आपको खूब खाना चाहिए। तो ये सारे फल कब आते हैं, ये अलग अलग सीजन में आते हैं। तो जिस जिस सीजन में ये फल आपको खाने हैं ताकि आपके शरीर में विटामिन ए की आपूर्ति हो सके। उसके बाद देखिए वीट यानी कि गेहूँ, सभी के घर में गेहूँ खाया जाता है, राइस, राइस भी सभी के घर में खाया जाता है, लीवर, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अपनी आपूर्ति यहाँ से करते हैं। ये किसका सोर्स है, सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन बी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं, वीट खाएंगे, राइस खाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन वो लीवर खाएंगे। तो समझ में आ गया विटामिन बी का सोर्स कहाँ है, यहाँ पर है। अब इसके बाद देखिए विटामिन सी, तो बच्चों विटामिन सी सबसे ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हमें जितनी भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए ऑरेंज, सभी सर्दियों में ऑरेंज खाते हैं। उसके बाद टोमेटो, टोमेटो भी सभी के घरों में होता है। अब देखिए गुआवा, गुआवा भी सभी खाते हैं, सभी को ज़्यादातर पसंद होता है। ग्रीन चिली, हाँ ये कम खाते हैं लेकिन ग्रीन चिली में भी विटामिन सी होता है। इसके बाद देखिए लेमन, लेमन जो है पानी में डाल के हम पीते हैं गर्मी में, तो ये भी विटामिन सी का सोर्स है। आंवला, आंवला जो होता है सबसे बड़ा सोर्स होता है विटामिन सी का। इन सब चीज़ों में जितना विटामिन नहीं होता है वो सिर्फ एक आंवले में होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करना चाहिए, आंवले का। यदि आपको विटामिन सी की आपूर्ति करनी है पूरे दिन के लिए तो एक आंवला आप रोज खा लेंगे तो पूरे दिन की आपूर्ति आपकी हो जाएगी। तो समझ में आया बच्चों, विटामिन सी कहाँ से प्राप्त करना है, इन सोर्सेज से आपको विटामिन सी प्राप्त करना है और अपने शरीर को विटामिन सी की आपूर्ति करनी है ताकि आप बीमार ना पड़ें। अब देखिए सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो ये जो हैं ये सोर्स ऑफ विटामिन डी हैं। तो इनमें क्या क्या है, सबसे पहले लीवर है, उसके बाद एग है, उसके बाद फिश है और मिल्क है। तो जो बेचारे वेजिटेरियन हैं जो ये सब चीज़ें नहीं खाते हो, किससे आपूर्ति कर सकते हैं, मिल्क से। तो हम मिल्क पी के विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउडेज इन सफिशेंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज काउजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। तो देखिए
हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है, लेकिन वो हमें कैसे मिलेगा, हमें उसके लिए सनलाइट में जाना होगा। तो यदि आप 10 मिनट रोज सनलाइट में रहेंगे तो आपके शरीर जो है विटामिन डी की आपूर्ति कर देगा जितना कि आपको पूरे दिन के लिए चाहिए। तो समझ में आया बच्चों, विटामिन डी जो कि आपके शरीर में खुद मौजूद है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप धूप में बैठकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं आज से ही धूप में थोड़ी देर 10 मिनट कम से कम बैठेंगे, उससे क्या होगा, हमारे शरीर को विटामिन डी की आपूर्ति लगातार हो जाएगी, फिर आपको कोई भी सोर्स ऑफ विटामिन डी के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ गया। तो ये तो बात थी यहाँ पे विटामिन्स की। अब है मिनरल्स। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो जिस प्रकार से हमें विटामिन की जरूरत होती है उसी प्रकार से हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, मिनरल्स की। तो यहाँ पे जो है मिनरल्स 2.10 में दिखाए गए हैं सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सम सोर्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये कहाँ से मिलेगा हमें, जिंजर से मिलेगा, नमक से मिलेगा, फिश से मिलेगा, पालक से मिलेगा, और ये जो है ये भी केकड़ा टाइप का एक होता है उससे मिलेगा। तो इन सब से क्या मिलेगा हमें, आयोडीन। तो जो 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 भी समुद्र में मिलता है चीज़ें उनसे हमें आयोडीन मिलता है। नमक भी समुद्र से ही मिलता है। तो समुद्र में सबसे ज़्यादा जितनी भी मतलब खारी चीज़ें होती हैं वहाँ से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो जिंजर क्या होता है, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, अदरक, तो उसमें भी आयोडीन होता है। चलो अब ये देखिए दूसरा मिनरल, सम सोर्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, इन सब चीज़ों से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, केले से मिलेगा, गेहूं से मिलेगा, चावल से मिलेगा। तो इन सब से क्या मिलेगा हमें, फास्फोरस। इसके बाद देखिए सम सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन क्या होता है, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो यदि हमारे ब्लड में आयरन की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें आयरन की आवश्यकता किसके लिए होती है, हमारे ब्लड को उत्पादित करने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। तो आयरन हमें कहाँ से मिलेगा, इन सब सोर्सेज से मिलेगा, ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। इसके बाद देखिए सम सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां बनती है, वो क्या होता है, कैल्शियम। तो ये कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलेगा आपको, एग से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो इन सब चीज़ों की भी हमें अलग अलग चीज़ों में ज़रूरत होती है। तो समझ में आया हमें भोजन में विटामिन मिनरल्स और इन सब चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से चलता रहने के लिए और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हमें जो है इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब देखिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार वो होता है जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाए और स्वस्थ रखे। तो यदि हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो दी फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द मिनरल्स न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कॉन्टेन अ गुड अमाउंट ऑफ एंड वॉटर। तो सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ये समझ में आया बच्चों आपको, तो बैलेंस डाइट क्या कहलाती है, जो कि हमारे शरीर को ना तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और ना ही सीमित मात्रा में हो, तो इसलिए जो ऐसे अमाउंट में हो जो कि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ हो। तो जो ऐसे अमाउंट में हमें मिलेगा उस वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट। तो समझ में आ गया, उसमें सारे तत्व होने चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिशंस होने चाहिए। तो सारी चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बैलेंस डाइट, जिससे कि हमारा शरीर सुचारू रूप से चल सके। अब देखिए डू यू थिंक दैट पीपल आर ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारी अवस्था जो होती है उसी के अनुसार हमें सेम डाइट चलती रहेगी। तो डू यू ऑल्सो थिंक दैट विच वॉट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। तो जैसा हम काम करते हैं उसी के अनुसार हमें मतलब डाइट चाहिए होती है ना। यदि कोई जो है परिश्रम ज़्यादा करता है तो उसको बैलेंस डाइट अच्छी मिलेगी, दूसरी मिलेगी, और यदि जो परिश्रम नहीं करता है सिर्फ बैठकर काम करता है उसको अलग बैलेंस डाइट होगी। तो जैसा हम काम करते हैं उसी के अनुसार हमारी क्या होती है, डाइट होती है। तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाटएवर यू ईट।
तो बच्चों प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। तो आप जो है एक ऐसा करेंगे, आप एक चार्ट बनाइए जिसमें कि आपको आप एक सप्ताह के अंदर आपने क्या क्या खाया अपने मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर को चलाने के लिए। तो देखिए एक बैलेंस डाइट में क्या क्या हो सकता है, पल्सेज हो सकती है, ग्राउंड नट्स हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकती है, स्प्राउट्स हो सकते हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं, सीड यानी कि मूंग दाल के या बंगाल ग्राम यानी कि चने के, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्प्राउटेड, जो कि जो अंकुरित आहार होता है स्प्राउटेड सीड। तो फर्मिनेटेड फूड यानी कि साउथ इंडियन फूड सच अ इडलीज, ये सब क्या हो सकती हैं, हमारी बैलेंस डाइट हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस, तो जो कि पल्सेज और सीरियल के यानी कि गेहूं के द्वारा अनाज के द्वारा बनाया गया है, बनाना, स्पिंच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशियंस। ये सब मिलकर क्या मिल करते हैं, हमारे शरीर को न्यूट्रिशियंस देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो हम जो है मतलब खर्चीले खाने की बजाय जो नॉर्मली हमें प्राप्त होता है उससे भी हम एक बैलेंस डाइट प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पैसे ज़्यादा खर्च करें तभी हमें एक बैलेंस डाइट प्राप्त होगी, बल्कि हम जो है कम खर्च कर भी इन सब चीज़ों के द्वारा एक बैलेंस डाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आया हमें बैलेंस डाइट की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रूप से रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, और जिस जिस चीज़ को हमारे शरीर को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ें हमें मिलती रहे। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट के लिए हमें कोई भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है सस्ते में भी हमें प्राप्त हो सकती है हमारे जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा। चलिए अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि जो बीमारियाँ होती हैं वो हमें क्या क्या होती हैं या किसके मतलब किस कारण से होती हैं। तो देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़, अ पर्सन मे गेटिंग इन अ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कॉन्टेन द पार्टिकुलर न्यूट्रिशंस। तो जो एक पर्सन है वो इन अ फूड खा रहा है यानी कि लगातार खाना खा रहा है, लेकिन उसको जो है वो ठीक प्रकार से न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचा रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। इफ़ दिस कॉन्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी। तो जब जो मतलब उस पर्सन को जो है जितना फूड जाना चाहिए, जितना उसके अंदर न्यूट्रिशन जाने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा उसको, उसकी अल्पता हो जाएगी। यानी कि जब मतलब जैसे जैसे हमारे शरीर को जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमें नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो डेफिशिएंसी और वन और मोर न्यूट्रिशंस कैन काउज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर हो जाएगा हमारी बॉडी में, जो कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए और वो हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो डिजीज दैट अक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। यानी कि वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि जो हमें आहार मिलना चाहिए वो आहार हमें नहीं मिल रहा है और हमारे जो बैलेंस डाइट है वो ठीक प्रकार से नहीं है। तो यदि वो लगातार वैसा ही चलता रहे तो डेफिशिएंसी डिजीज होने का खतरा हो जाता है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हीज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, जो कि वो ग्रोथ उसको होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके मुंह पे क्या हो जाएगा, उसके मुंह पे सूजन आ जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ एयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो ये सब क्या हो सकता है, उसके बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उसको स्किन से रिलेटेड डिजीज होने लगेंगी यानी कि स्किन त्वचा रोग होने लगेंगे, उसको डायरिया हो सकता है। तो ये किसके कारण हो सकता है, जो कि हमें बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यदि हमें जो है मतलब ज़्यादा समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें प्राप्त नहीं होंगे तो दी ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो ग्रोथ जो है पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है, लगातार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, और यदि ये नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी यानी कि कुपोषण के शिकार हम हो जाएंगे। और कुपोषण के शिकार होंगे तो क्या होगा, बहुत सारी ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा, हमें अनेक बीमारियाँ घेर लेंगी। तो ये सारी किस लिए होंगी, ये होंगी
हमारी जो मतलब हमारी जो डाइट है उसके कारण, यानी कि जो हमारी डाइट है ठीक प्रकार से हमें प्राप्त नहीं हो रही है उसी की वजह से। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिंस एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन का सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। तो इनमें से जो है 2.3 टेबल है उसमें भी बताई गई है कि किसके अभाव में कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इन सभी को हम कैसे सुधार सकते हैं, एक बैलेंस डाइट के द्वारा सुधार सकते हैं, जिसमें कि जितने हमें मिनरल्स मिलने चाहिए उतने मिले, प्रोटीन जितनी मात्रा में चाहिए वो हमें मिले, और जितने हमें फैट चाहिए, जितना हमें मतलब जितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सारी चीज़ें जब हमें मिलने लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी। बैलेंस डाइट होगी तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्स द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ दी डिफरेंट न्यूट्रिशंस नीडेड बाय दी बॉडी। तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बैलेंस डाइट होती है। आपके क्षेत्र की बैलेंस डाइट अलग होगी और दूसरे क्षेत्र की अलग होगी। तो ये जो मतलब जितने भी चीज़ें हैं वो हमें ठीक प्रकार से मिल रही है कि नहीं, और हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी हमें बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं, तो ये कौन पता करेगा, ये हम ही पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सी मतलब कौन सी किस चीज़ के अभाव में कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए के अभाव में क्या होगा, हमें लूज मोशन होंगे, और लूज ऑफ विजन यानी कि क्या हो जाएगा, लूज ऑफ विजन यानी कि देखने के लिए हमें परेशानी होगी। तो उससे क्या होगा, पुअर विजन यानी कि आप ठीक प्रकार से नहीं देख सकते हैं। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जब आप अंधेरे में जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार जो है यदि ये लगातार चलता रहा, विटामिन ई की अवहेलना आप लगातार करते रहे तो क्या होगा, कंप्लीटली आप देखना बंद कर देंगे। तो इसलिए हमें देखने के लिए किसकी ज़रूरत है, विटामिन ए की। इसके बाद है विटामिन बी वन, तो ये कॉम्प्लेक्स में होता है, भी मैंने बताया था आपको। विटामिन बी वन बेरी बेरी रोग होता है, तो इसके कारण से कौन सा रोग होता है हमें, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग किसके अंतर्गत क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, मसल्स से बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। तो यदि वेरी वेरी रोग होगा, विटामिन बी वन की कमी हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारी मसल्स वीक हो जाएंगे और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी कोई भी कार्य करने की। अब देखिए विटामिन सी, विटामिन सी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी जो है स्किन संबंधित एक मतलब बीमारी होती है, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, आपके गम्स जो है ब्लीडिंग करने लगेंगे। वाउंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील, तो ये जो है हमें जो है लगातार अगर ऐसी रही तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए विटामिन डी, इससे क्या होगा, रिकेट्स। तो इससे क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो बोन्स कैसी हो जाती है, मतलब मजबूत नहीं रहती है। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी बोन्स को मजबूत करता है। तो रिकेट क्या करता है, हमारी बोन्स को कमज़ोर करता है, और धीरे धीरे यही लगातार रखता मतलब लगातार होता रहा तो हमारी हड्डियाँ क्या होगी, वो टूटने लगेंगी। कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी हड्डियाँ और ये मतलब ये किसको मजबूत करता है, कैल्शियम, कैल्शियम। तो वीक बोन्स टूथ डिके, तो इससे क्या होगा, दांत झड़ने लगेंगे आपके, और जो बोन्स है वो भी मजबूत नहीं रहेंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, कैल्शियम की। उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, ग्लैंड इन दी नेक अपियर स्लोवन सोलन मेंटल डिसेबिलिटी इन दी चिल्ड्रन, तो इससे के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। आपकी जो यहाँ पे गर्दन में एक ग्लैंड होती है थायराइड, तो वो क्या हो जाएगा, आप उससे ग्रसित हो जाएंगे, यानी कि उसमें सूजन आ जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। और बच्चों के अंदर क्या होता है, डिसेबिलिटी इन दी चिल्ड्रन, तो मेंटल यानी कि मानसिक तौर पे जो है उनके अंदर विकलांगता आ सकती है। तो आयोडीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आयरन, एनीमिया, तो एनीमिया क्या होता है, खून में खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। तो आयरन क्या बनाता है, हमारे अंदर ब्लड बनाता है, तो यदि आयरन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, हमारा शरीर कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो बच्चों समझ में आया है आपको ये चैप्टर, यदि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें।